नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिनभर का, चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। रात से ही राम मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइनें लगी है। इस बीच प्रशासन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों से दो हफ्ते बाद राम मंदिर आने के कार्यक्रम बनाने की अपील की। बता दें कि प्रशासन ने कहा है कि राम मंदिर के अंदर और बाहर भीड़ लगातार मौजूद है, सभी को सुगमता से दर्शन मिल सके इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। यूपी के स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में योगी आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और मैं इस अवसर पर स्मरण करूंगा प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब प्रदेश में सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने उस समय यद्यपि पहली सरकार को भी कहा था, लेकिन पहली सरकार ने तो नहीं, लेकिन 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में आई, उन्होंने मुझे भी कहा कि हर राज्य की अपनी स्थापना दिवस का होता है, एक अवसर होता है, वो अवसर उस राज्य के लिए अपने गौरव को महिमा मंडन करने और भविष्य की कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर होता है। और अगर उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करके प्रयासों को आगे बढ़ाता है तो अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस सचमुच प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक सशक्त माध्यम बना। हमने अपने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम की शुभारंभ की थी वह 24 जनवरी 2018 से ही प्रारंभ की थी। और 24 जनवरी 2018 से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह आज उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। 2018 में हमने इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू किया, आज परिणाम हमारे सामने है। हम लोग जब आए थे 2017 में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वेतन देने के नाले थे, अव्यवस्था का तांडव था, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, हमारा यहां का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। लेकिन 2017 के बाद जब सरकार ने काम करना प्रारंभ किया और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, आज परिणाम हमारे सामने है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान को बताने की आवश्यकता नहीं। और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के धुबरी में है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर सब जानते हैं कि देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट सीएम असम का सीएम है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। सब लोग जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका चीफ मिनिस्टर है। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। आप देखिए, आप सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो, कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का, उस कोयले में से आपके चीफ मिनिस्टर के जेब में पैसा जा रहा है। चाय पीते हो,
चाय के गार्डन आपके चीफ मिनिस्टर के। अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, टेलीविजन और अखबार आपके चीफ मिनिस्टर के। सड़कों पे चलते हो, पुल पे ब्रह्मपुत्र के को पार करते हो, उसमें से पैसे आपके चीफ मिनिस्टर को मिलता है। शाम को पान खाते हो, उसके अंदर जो सुपारी है उसमें से भी आपका चीफ मिनिस्टर पैसा बनाता है। और अगर कभी आपको काजीरंगा में राइनो जाके देखना हो तो पता लगेगा कि वहां भी आपके चीफ मिनिस्टर का एक रिजॉर्ट है। राइनो देखना हो तब भी उनके रिजॉर्ट में जाके राइनो देखो। तो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर आपका यहां है। वो करता क्या है? वो आसाम में 24 घंटा नफरत फैलाता है कि पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। पिछड़ी जात और दलित जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, यह आपके चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पर लिखा। ओबीसी का खुलेआम सबके सामने अपमान किया। बुलंदशहर में 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। पीएम मोदी नवाडा गांव के शूटिंग रेंज के मैदान में पहुंचेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जनसभा स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सीएम योगी भी बुधवार को बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल एक कार्यक्रम है, उनकी उपस्थिति में कुछ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण है और बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी एक बड़े सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। हम सब इस क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है कि 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है और हम सब लोगों को उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ता हम लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर जनसमूह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और जो भी दिशा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा। खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि जननायक कर्पूरी को भारत रत्न मिलने पर मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से ना सिर्फ बिहार वासियों को ही बल्कि देशवासियों को ही ये मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर को जनसेवा के लिए, उनके योगदान के लिए भारत रत्न मिले। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। आज देशवासियों की उस मांग को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया, इसके लिए एक बार फिर से मैं हमारी केंद्र की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी PPC में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर घमासान मचा हुआ है।
बता दें कि बुधवार को जलंधर में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग लेने पहुंचे पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव और प्रताप सिंह ने सिद्धू का नाम लिए बिना ही इशारों इशारों में चेतावनी दी। साथ ही देवेंद्र यादव ने कहा कि पंजाब में ज्यादातर कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि डिसिप्लिन भंग करने वाले सिर्फ छोटे नेताओं पर ही कार्रवाई की जाती है, बड़े नेताओं पर क्यों नहीं? कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। मैंने पंजाब के दौरे में जो कुछ भी देखा है उसे हूबहू पार्टी आलाकमान को बताऊंगा। पार्टी का डिसिप्लिन भंग करने का हक किसी को भी नहीं है, फिर चाहे वो छोटा नेता हो या फिर बड़ा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के मसीहा बने जाने वाले करीपुरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर भारत रत्न के ऐलान के बाद बीजेपी पर मंत्रण और मंडल की राजनीति का आरोप लग रहा है। मगर सच तो यह है कि पीएम के इस राजनीतिक पैतरे के बाद यूपी बिहार में राजनीतिक खलबली का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस आयोजन के अगले ही दिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो गया। 48 घंटे के भीतर पहले कमंडल और फिर मंडल के दांव से क्या पीएम मोदी ने बिहार के साथ ही यूपी की राजनीति में बड़ा खेल कर दिया है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती का मौका था। कर्पूरी की जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल से लेकर जनता दल यूनाइटेड यूपी में समाजवादी पार्टी तक सब अपने अपने स्तर पर इसे लेकर आयोजन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के एक फैसले ने यूपी बिहार की सियासत में खलबली मचा दी है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से केंद्र सरकार ने यूपी बिहार में पिछले 30 साल से पिछड़े और अति पिछड़ों की यानी मंडल की राजनीति करने वाले नीतीश लालू और अखिलेश यादव के लिए चुनौती पेश कर दी है। आज जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आज का दिन वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है कि 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम को स्वीकार किया, जन गण मन, ये गणतंत्र की आत्मा, हमारा राष्ट्रगीत, और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जिन जिन का भी योगदान रहा, भारत रत्न देने की प्रक्रिया जब से 1954 से शुरू हुई तब से लेकर के हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नाम जो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हकदार तो बहुत पहले थे लेकिन भारत रत्न लेट मिला। अब ये कर्पूरी ठाकुर साहब कितना सादगी भरा जीवन जिया, किस बैकग्राउंड से आए, दो दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और सामाजिक न्याय को पूरे देश में पहुंचाया। निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा, मतलब भारत की राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व ने मिसाल कायम की है, ऐसे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है, यह निर्णय गरीबों का सम्मान है, वंचितों का सम्मान है, शोषितों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है। इस निर्णय से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। और एक मुख्यमंत्री रहते हुए, एक क्षेत्र का आवाज बुलंद करते हुए, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और वो रोल सुशासन की व्यवस्था में था, उनका रोल शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के उत्थान में था, जिसके लिए शायद लोकतंत्र की स्थापना, संविधान और इस देश की परंपराएं उसी के लिए शामिल हैं। तो ऐसे व्यक्ति के 36 वर्ष पूर्व निधन के बाद भी किसी सरकार ने लोगों की इच्छा को क्यों नहीं स्वीकारा? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? और अगर वो पॉलिटिक्स थी कि उनको जो उनका अधिकृत सम्मान था आपने नहीं दिया, तो आपने एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स की। ये बताने वाला पल नहीं है, समाज के अंतिम पायदान के लोग को ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 13 करोड़ भारतीय जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का एवं तमाम पार्टियों लोग का बोला तो गौरवान्वित महसूस कर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को
भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मगर जिस तरीके से पीएम मोदी ने दो दिनों के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की है, उससे यूपी और बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। पीएम मोदी ने कैसे दो दिनों के अंदर कमंडल और फिर मंडल की राजनीति करके अपने विरोधियों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने खास तौर पर जो सामाजिक न्याय के लिए काफी उन्होंने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न उनको दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है भारत रत्न का। कर्पूरी ठाकुर का जो आंदोलन था, जो उनका संघर्ष था, जो उनकी विचारधारा थी, जिसको वो लेकर के एक लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस पर क्या किया? उनके आरक्षण की मांग पर क्या किया? कर्पूरी ठाकुर जिन लोगों को सम्मान दिलाना चाहते थे, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दे दिया? मैं समझता हूँ व्यक्ति को नहीं बल्कि विचारधारा को अगर सम्मान देती भारतीय जनता पार्टी, तो मैं समझता हूँ ये जनता के केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये उनकी 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरीके से पीएम मोदी ने नियमों का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किए, उसके जरिए कमंडल यानी अगड़ी जातियों को साधने की रणनीति जन भावना को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में उमड़ रही भीड़, रामलला को लेकर आस्था का सैलाब देखकर ये कहा जाने लगा कि बीजेपी को आने वाले चुनावों में इसका फायदा मिल सकता है। इसे इस बात पर मुहर की तरह भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी देश की जनभावना, जनता की इच्छा और आकांक्षा समझते हैं। वो सनातन आस्था के दांव से हिंदू वोट बैंक साधने में जिस कदर कामयाब रहते हैं, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाना कमंडल के बाद, अब मंडल को कैसे बैलेंस करने की रणनीति से तौर पर, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जाना कमंडल के बाद, अब मंडल को बैलेंस करने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी बिहार के ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब तक अखिलेश यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टियों के साथ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने और उसे यूपी में अखिलेश यादव का समर्थन देने के बाद ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि इसका फायदा महागठबंधन को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। मगर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान से अखिलेश, नीतीश और लालू के मंडल वोट बैंक को साधने की कोशिश की हवा निकलती जरूर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कस्बा कुसपुरा क्षेत्र के रहने वाले शिवम प्रताप सिंह उर्फ शिवम ने पीसीएस की परीक्षा में चौथा रैंक प्राप्त किया, क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन किया। वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता मुकेश कुमार ने शिवम प्रताप से खास बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैनपुरी के लाल ने फिर कर दिया कमाल। जी हाँ, आपको ऐसे ही वाक्य से वाकिफ कराएंगे। मैनपुरी के कुसमरा क्षेत्र के गुलालपुर गांव के लाल ने फिर कमाल कर दिया है। पीसीएस की परीक्षा में यूपी के चौथे स्थान को प्राप्त किया है, जिसके बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। और जो दोनों ही भाई हैं वो भी काफी शुरू से पढ़ने में लगनशील रहे हैं। अब हम उनसे बात करेंगे, शिव प्रताप जी से, जो उनके गाँव पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है शिव प्रताप जी, आज आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, पूरी यूपी में चौथे स्थान पर रहे हैं। जी, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ताऊ जी, बाबा, सभी लोग बहुत खुश हैं और हमारे इस प्रयास को सभी लोग सराह रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है और सबसे बड़ी पूंजी यही है कि हमारे बुजुर्ग जिससे खुश हों। हमारा काम अपने, मेहनत अपनी है, लेकिन संस्कार कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं। जी, हमारे बुजुर्गों के संस्कार हैं। मेरे दादाजी सभी श्री अतर सिंह यादव ने मुझे गढ़ा है, इन सब पूरे मामलों में मेरे व्यक्तित्व का अधिकांश हिस्सा उन्हीं के द्वारा निर्देशित है और मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने दादाजी और दादाजी। सरकार की जो सेवाएं, जो दायित्व मिलेगा, किस तरीके निर्वहन रहेगा? जी, सरकार की जो भी योजनाएं हैं और जितने मेरे कार्य रहेंगे, उनका पूरी निष्ठापूर्वक मैं क्रियान्वयन कराने का प्रयास करूंगा और शासन में सुस्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा।
तो ये थे शिव प्रताप जी, इनसे हमारी खास बातचीत हुई है। तो वहीं उनके भाई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।